ग्रोसरी स्टोर बिजनेस छोटे से छोटे गांव से लेकर महानगरों तक किराना स्टोर देखे जाते हैं। इस वजह से कई लोग छोटे से लेकर बड़े बड़े किराना स्टोर शहर में विभिन्न भागों से स्थापित करते हैं। इस प्रकार की मांग कभी कम नहीं होती है, क्योंकि इसे अच्छे से चलाने पर एक बेहतर लाभ प्रति दिन कमाया जा सकता है। देश के किसी भी नागरिक को विभिन्न तरह के वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जिसे इस स्टोर से प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर किराना स्टोर का व्यापार कर के लाभ कमाने की प्रक्रिया का पूर्ण वर्णन किया गया है। किराना स्टोर के व्यापार के लिए एक बेहतर स्थान का चयन करें। सबसे पहले, इस व्यापार में लाभ कमाने के लिए स्टोर एक बेहतर लोकेशन में होना आवश्यक है। दरअसल ये एक ऐसा व्यापार है जो एक बार किसी स्थान पर स्थापित कर देने के बाद एक लंबे समय तक उसी स्थान पर चलता है। अतः इस स्टोर को स्थापित करने के लिए एक विशेष स्थान का चयन करना भी आवश्यक होता है। किराना स्टोर के व्यापार में अगर आप स्थान अच्छी जगह चयन करेंगे, तभी आपको इसमें अच्छा तरीके से फायदा मिलता है। अगर आप आसपास के एरिया, सोसाइटी, भीड़ वाली सड़कों, अस्पतालों, मंदिरों के आसपास के स्थान पर चयन कर सकते हैं, तो ध्यान रखें आपके द्वारा खोले जा रहे दुकान के आसपास अन्य किराना शॉप ना हो तो अच्छा है, अन्यथा इससे दोनों का व्यापार प्रभावित होता है। अगर आप किसी किराना स्टोर के पास में अपना किराना स्टोर खोलते हैं, तो उससे दूसरों का व्यापार और आपका व्यापार दोनों में ही लॉस दिखाई देंगे। किराना स्टोर के व्यापार की योजना कैसे बना सकते हैं? अगर योजना बनाते समय आपको स्टोर का साइज तय करना होता है, आप इसके अंतर्गत तय करें कि आपका स्टोर कितने वर्ग फीट का होगा। आमतौर पर सबसे छोटा स्टोर 200 वर्ग फीट का होता है, हालांकि आप 1000 वर्ग फीट तक का स्टोर बना सकते हैं। ध्यान रखें, स्टोर में पहली बार सामान की पूंजी लगभग 50,000 तक की होती है। ये न्यूनतम पूंजी है। आप इससे अधिक पैसा लगा कर भी व्यापार आरंभ कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आपका दुकान सामानों में परिपूर्ण नजर आए, मतलब आपका जो किराना स्टोर की जो दुकान है वो सामान में परिपूर्ण, लगभग सारे सामान आपके स्टोर में होने चाहिए। इसी के साथ अलग से 6 महीने की पूंजी भी आपको अपने हाथ में रखने की आवश्यकता होती है। किराना स्टोर के लिए सप्लायर और होलसेलर से संपर्क करें। इस व्यापार को स्थापित करने के लिए आपको विभिन्न सामानों के सप्लायर और होलसेलर से बात करने की आवश्यकता होती है। इस कार्य के लिए आपको उन होलसेलर से बात करने की आवश्यकता होती है जो आपको आपके दुकान के नज़दीक स्थित हो। इससे आपके काफ़ी बचत हो सकती है। ऐसे सप्लायर भी हो सकते हैं जो आपकी दुकान से लगभग सारे सामान उपलब्ध करा दे। दुकान के लिए लोन कहाँ से ले? अब बात करते हैं कि अगर आप दुकान खोल रहे हैं तो उसके लिए आपको लोन कहाँ से लेना होता है। अगर आप बैंकों से भी लोन ले सकते हैं और अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी ही गिरवी रख के भी लोन ले सकते हैं। प्रॉपर्टी कितनी होती है? लगभग आपको, जैसे मैंने बताया था कि प्रॉपर्टी कितनी ही इसके अंदर होनी चाहिए ये, और जिस हिसाब से अगर आप किराना स्टोर का बिजनेस खोलते हैं, आपको उसके अंदर जरूरी रहती है मार्केटिंग। मार्केटिंग में भी आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करने की, फर्नीचर कितने तक का आएगा? फर्नीचर इसके अंदर लगभग, अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि फर्नीचर आप कितने से कितने तक का लाते हैं।